तो हैप्पी रक्षाबंधन गाइस, मैं हूँ येल्लो टोमेटो, स्वागत करता हूँ आपका स्पोर्टी मंडे के एक और एपिसोड में। तो आज फिर से हम खेलने जा रहे हैं बेसबॉल 9। तो लास्ट मैच हमने खेला था लास्ट एपिसोड में, बहुत ही क्लोज गया था मैच। तो अभी हम नया मैच स्टार्ट कर, रुको एक मिनट, जरा वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। तो अभी हम एक और नया मैच स्टार्ट करेंगे लीग स्टेज का। तो जी हाँ, हम टेबल टॉप पर हैं। तो मैं उस एपिसोड के बाद कुछ और ऑफलाइन मैचेस खेला था और खेलते खेलते टॉप पे पहुंच गया। तो हमारा दूसरा गेम है काइजर्स के खिलाफ। तो अब तक हमारी इनके खिलाफ 2 जीत और 2 हार हो चुकी है और ये नंबर 2 के स्पॉट पर है। तो शायद से मेरा एक अनफिनिश गेम था, उसे मैं फटक से फिनिश करके आया। तो यहाँ पर ऑटो इनिंग में हम जीत चुके हैं। तो ये गेम फिनिश करके अब हम नया मैच स्टार्ट कर देंगे। मैं भूल गया था कि ये मैच मैंने बीच में ही छोड़ा था। तो मैंने बहुत सारे नए प्लेयर्स को रिक्रूट किया है। तो पहले हम इनको अपग्रेड कर लेते हैं। पहले गार्सिया को अपग्रेड कर देते। तो यहाँ पर इसको अपग्रेड कर दिया हमने। तो बढ़ते हम अपने गेम की तरफ। तो हमारा मैच लग चुका है स्निपर्स के साथ, देखते हैं। अभी पहली इनिंग की बैटिंग हमारी हुई, बहुत बढ़िया। तो मैंने बहुत से कस्टमाइज किए कैरेक्टर्स को। यहाँ पर पहला बॉल मिस होते हुए स्ट्राइक की तरफ, एक और स्ट्राइक आसानी से मिस कर दिया। ये बॉल होगा, बॉक्स के बाहर गेंद फेंकी थी वहाँ पर, बहुत बढ़िया हिट नहीं कह सकते, सीधा फील्डर के हाथ में। तो हमारा पहला आउट होते हुए आर क्लार्क आउट होते हुए यहाँ पर, तो हर्नांडिस आए फील्ड पे। एक और बेकार शॉट यहाँ पे, बहुत बढ़िया शॉट नहीं कह सकता, ये भी सीधा फील्डर के हाथों में। अभी देखते हैं हमारी बॉलिंग आई। तो मैं बॉलिंग को स्किप करूंगा क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं बॉलिंग, मतलब पिचिंग, जो बॉलिंग बोल दिया गलती से। तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग आई, स्कोर 0 पे है और ओर्टिज आते ही चले गए अपने बेकार के शॉट के साथ। तो ब्रैडली आए, इस सीजन ब्रैडली कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में है, 22 RBI कर चुके। और आउट यहाँ पर, लगता है ये इनिंग भी 0 पे ही जाएगा। जी हाँ, ये भी 0 पे ही गया। तो अब हम इनिंग में बॉलिंग कर देते। यहाँ पे फोर्थ बॉल डाला था मिडल से सीधा डाउन पे, एक बहुत बढ़िया हिट, क्या फील्डर गार्सिया ने अच्छी फील्डिंग की वहाँ पे। और आसानी से स्ट्राइक करते हुए यहाँ पर सुआरेस, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर स्ट्राइक आउट कर दिया है यहाँ पर सुआरेस ने। एक और बल्लेबाज आते हुए बेका करके, क्या इनको आउट कर पाएंगे सुआरेस। तो एक स्ट्राइक हो चुका है, एक और स्ट्राइक, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर। तो सीधा हवा में लेविस उसके नीचे और पकड़ लिया, बहुत ही आसान सा कैच यहाँ पर पकड़ लिया। तो तीसरी इनिंग के शुरुआत में चैलेंजर्स आते हुए और रिचर्ड्स फील्ड पर उतरते हुए और ये लूज शॉट से सीधा आउट होते हुए। तो कप्तान थॉमस आ चुके हैं यहाँ पे, एक स्लाइडर फेंका पिचर ने वहाँ पर, एक फास्ट बॉल, ये भी मुझे लगा था कि स्लाइडर फेंकेंगे। तो बहुत ही आसानी से कप्तान थॉमस आउट होते हुए यहाँ पर। तो लिविस आते हुए अभी स्ट्राइक पे, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गैप में शॉट। तो इस इनिंग का पहला बेहतरीन हिट, जो 2 बेस कवर कर लिए यहाँ पर लेविस ने। तो क्लार्क आते हुए यहाँ पर, इनका भी एवरेज बहुत तगड़ा है, लगभग ब्रैडली के बराबर है, पर इनके होम रन ज़्यादा है। क्या हमें एक और होम रन देखने को मिलेगा इस इनिंग में? फिलहाल तो बहुत ही पेशेंस के साथ खेल रहे क्लार्क। 3 बॉल्स हो चुके हैं यहाँ पर,
और ये चार बॉल्स होते हुए फ्री का वॉक मिल गया वहाँ पे। हर्नांडिस आते हुए सबसे ज़्यादा होम रन मारे इस टीम के लिए, एक और अच्छा गैप पे शॉट, और इसी के साथ चैलेंजर्स ने खाता खोल दिया है इस मैच का। बहुत ही बढ़िया शॉट हर्नांडिस द्वारा गैप में, तो यहाँ पर फाउल जाता हुआ, थोड़ा जल्दी टाइम कर दिए, एक और फाउल यहाँ पर, थोड़ा जल्दी खेल रहे थे। ये अच्छा शॉट सीधा हाथों पे, पर ग्राउंड इतना बड़ा है नहीं, सीधा यहाँ पर फील्डिंग बहुत ही इजी है। अच्छा स्ट्राइक किया वहाँ पर सुआरेज ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए वहाँ पर स्ट्राइक आउट, एक और स्ट्राइक आउट मार दिया सुआरेज ने यहाँ पर। स्लिपर्स पे एक भी रन नहीं हुआ है अब तक, जीरो पे चल रहे हो तीसरे बॉटम इनिंग के चलते, तो बहुत बेकार सा शॉट रिचर्ड्स के सीधे हाथों में। तो आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे सुआरेस, एक और स्ट्राइक फोर्थ बॉल फेंका था इस बार थोड़ी हाइट देकर, इस बार बॉल जाएगा, वही कोशिश थी पिछले गेंद की तरह, एक सीधी गेंद और सीधी गेंद पे आउट होते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। तो ओर्टिस आए है स्ट्राइक पर, कर्व फेंका था हल्का सा पर आउट होते हुए, मिस टाइम शॉट। तो अच्छा शॉट यहाँ पर बेहतरीन, पर सीधा फील्डर के हाथों में इसलिए आउट होते हुए। एक और कर्व बॉल पर, ये भी शायद से फील्डर के हाथों में, हाँ। तो ये हमें इतना हाई स्कोर नहीं देखने मिलेगा इस गेम में शायद से, हम ऑटो इनिंग कर देते यहाँ पर। ये भी जीरो पे जाते हुए, तो रिचर्ड से स्ट्राइक पे, और ये आज बहुत ही फील्डिंग तगड़ी की है दोनों खेमों ने, दोनों ही टीम्स बहुत ही तगड़ा फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा शॉट गैप में शॉट, यार दूसरे बेस के लिए भागेंगे नहीं, वापस जा चुके हैं थॉमस, रिस्क नहीं लिया वहां पर। तो लेविस आते हुए फिर से स्ट्राइक पे, तो जी हाँ मैंने कहा ग्राउंड इतना बड़ा है नहीं, तो हल्का सा मिस टाइम शॉट भी सीधा फील्डर के हाथों में जा सकता है। इस बार अच्छा शॉट निकाला क्लार्क ने गैप में, थॉमस निकल पड़े हैं पर वापिस उन्होंने फॉलो बैक किया और थर्ड बेस पे वापस आ गए। क्या हर्नांडिस होम रन स्ट्राइक कर पाएंगे? और हवा में स्ट्राइक पर सीधा हाथों में, तो ये इनिंग भी कुछ खास नहीं गई, स्कोर अभी भी 1-0 पे ही है। तो सुआरेस फिर से है, बहुत बढ़िया हिट गैप में हिट, अच्छा सा स्ट्राइक कर दिया यहाँ पर। तो बेस चुराने के चक्कर में आउट होते हुए यहाँ पर, तो फ्री का आउट मिल गया यहाँ पे चैलेंजर्स को, एक और आसानी से स्ट्राइक आउट कर दिया यहाँ पर। दो लगातार स्ट्राइक से यहाँ पर कर दिया और स्ट्राइक आउट, तो ग्रे भी चलते बने। तो बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ फिर से एक और बार। बहुत बढ़िया हिट गैप पे सीधा सामने की तरफ पहला बेस कवर कर लिया यहाँ पर ऑर्टिज ने, तो बहुत ही लो स्कोरिंग गेम है ये। एक और अच्छा हिट, क्या ऑर्टिज और एक बेस के लिए भागेंगे? ऑर्टिस निकल पड़े, क्या वो पहुंच पाएंगे? बहुत बढ़िया रनिंग वहां पर ऑर्टिस ने, तीन बेस कवर कर लिए।
एक और बेहतरीन हिट, 2 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, ग्राउंड इतना बढ़ाएंगे नहीं कि फिर से भागेंगे। ब्रैडली रिस्क नहीं लिया वहां पर, एक अच्छा हिट और एक और रन बन सकता है यहाँ पे, एक और रन होते हुए यहाँ पर ब्रैडली पहुंच चुके हैं होम बेस पे, 3 रन होते हुए चैलेंजर्स के यहाँ पर। तो कप्तान थॉमस फिर से फील्ड पर, अच्छी हिट, बहुत बढ़िया हिट, दूर तक मारा ये, 14 रन भी पूरा हुआ यहाँ पे चैलेंजर्स का। तो ये इनिंग बहुत बेहतरीन रही चैलेंजर्स के लिए, 3 रन मिले इस इनिंग से, तो बहुत ही पेशेंसली लेविस खेले ये। ये शॉट भी बेहतरीन है और गैप में भी है, तो 2 बेस कवर कर लेंगे आराम से लेविस यहाँ पर। एक और रन होते हुए चैलेंजर्स का, 4 रन आए इस इनिंग से। तो क्लार्क आज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मेरे कमेंट्री आपको फिर से लेम रही लग रही होगी, उसके लिए एक डिसलाइक जरूर मारिएगा। तो 2 स्ट्राइक करते हुए यहाँ पर, तो हवा में गेंद, गार्सन एक और अच्छा कैच पकड़ा वहां पे, एक आउट हो चुका है। क्या स्निपर्स खाता खोल पाएंगे, अभी भी 0 पर ही अटके पड़े हैं। और एक और स्ट्राइक आउट यहाँ पे सुआरेस ने करते हुए, तो आज हमें एक भी होम रन नहीं देखने को मिला क्लार्क और हर्नांडेस की तरफ से। यूजुअली हमें एक होम रन दिखने को मिलता है हर मैच में इस जोड़ी के द्वारा फाउल होते हुए। तो आखिरी विकेट इस इनिंग का, और एक और फाउल, 2 लगातार फाउल करते हुए बैट्समैन है यहाँ पर, और स्ट्राइक आउट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहाँ पे, हल्का सा बॉल नीचे की तरफ घूमा और सीधा स्ट्राइक हो गए। तो आप देख सकते हैं पिचिंग इतनी बेहतरीन नहीं हुई स्निपर्स द्वारा, फील्डिंग अच्छी की है पर पिचिंग भी मैटर करता है, और ऊपर से चैलेंजर्स ने भी गैप भी बहुत बड़े बड़े बढ़िया निकाले हैं। तो बैकग्राउंड नॉइज के लिए फिर से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो अर्ली स्विंग के चक्कर में स्ट्राइक हो गए यहाँ पर, तो रन आउट होते हुए यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे ऑटो इनिंग कर देते हैं, तो फिर से 0 पे रहे स्निपर्स। ब्रैडली आते हुए क्रिस पे, और उसी एंड से वापस चले जाएंगे गार्सिया। अब गार्सिया के पास स्ट्राइक है, तो अच्छा संपर्क किया बल्ले से गैप में, पहला बेस कवर है यहाँ पर। तो अभी थॉमस आएंगे, नहीं माफ कीजिएगा रिचर्ड्स आए हैं, और वो भी आउट होते हुए यहाँ पर। तो ये ग्राउंड इतना बड़ा है नहीं, तो आसानी से यहाँ पर आउट्स हो जाते हैं। तो थॉमस भी आउट होते हुए एक मिस टाइम शॉट के वजह से। तो अभी भी स्निपर्स 0 पर ही ये ऑटो इनिंग कर देते हैं, अभी तक एक भी रन नहीं स्कोर कर पाए। तो लिविस आते हुए, क्या हमें जाते जाते एक होम रन देखने को मिलेगा, अच्छा शॉट है, फर्स्ट बेस कवर हो जाएगा। फाउल यहाँ पे, क्लार्क आज कुछ ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में नहीं है, बहुत ही बेहतरीन शॉट गैप में शॉट पर, होम रन के लिए नहीं जा सके, हल्का सा छोटा बढ़ गया वहाँ पर। या हर्नांडेस मार पाएंगे, तो एक और फाउल है आप पर देखते हुए। तो आज फाउल्स बहुत गए हैं दोनों ही टीम से। तो बेहतरीन शॉट गैप में शॉट, एक और रन मिलेगा यहाँ पर, एक्चुअली 2 रन मिलेंगे, 7 पर अभी चैलेंजर्स। जितना रन स्कोर करेंगे उतना ही फायदा होगा चैलेंजर्स के लिए, उतने उनके पॉइंट्स बढ़ेंगे। अच्छा शॉट ग्रे का, बहुत ही बढ़िया शॉट गैप ढूंढ के निकाला, एक और रन यहाँ पर, 8 रन होते हुए यहाँ पे।
तीन रन इस इनिंग से निकले हैं, तो एक और आसान सा बॉल था पर स्ट्राइक के लिए चला गया। जी हाँ दोस्तों, ये फिर से कुछ समय बाद वाले येलो टमेटो। तब हम अपना नाइन्थ इनिंग चल रहा है, लास्ट इनिंग है और ये इस इनिंग का पहला विकेट गिरते हुए यहाँ पर। तो ब्रैडली आते हुए स्ट्राइक पे, आते ही स्ट्राइक कर दिया, एक और स्ट्राइक और फिर ये आउट। ये छोड़ दे, इस बार समझदारी दिखाई अपनी ब्रैडली ने वहाँ पे। तो बहुत बढ़िया शॉट पर नहीं, आउट होते हुए यहाँ पर। तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए फिर से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो कैच आउट होते हुए यहाँ पर। तो लास्ट इनिंग है, पिचिंग चालू हो चुकी है, तो हम इसे ऑटो इनिंग कर देते हैं। तो एक रन भी स्कोर ना कर पाए स्नीपर से यहाँ पर, और एक चैलेंजर्स की 8-0 से आसान जीत यहाँ पर होते हुए। बहुत बढ़िया खेले चैलेंजर्स आज। लग रहा था कि ये लो स्कोरिंग गेम होगा, पर जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ी चैलेंजर्स अपनी बैटिंग बढ़ाते गए, तो आज वैसे एक भी होम रन देखने को नहीं मिला यहाँ पर। तो बस आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। बैकग्राउंड नॉइस के लिए फिर से क्षमा मांगता हूँ। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।